हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र मौर्य आज आपके लिए माइनिंग गेट के 2022 के जो मैथमेटिक्स के पोर्शन के जो क्वेश्चन थे उनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन आज यहां पर हम कंप्लीट देंगे। ठीक है, आज आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते जाएगा गेट प्रीवियस ईयर गेट के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम और भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आज जो देखते हैं, चलिए देखते हैं 2022 के क्वेश्चन कौन कौन से थे और उन्हें किस तरह से इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है माइनिंग ज्ञान के चैनल में, और ये जो है कंप्लीट आपका मैथमेटिक्स पोर्शन का दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट करें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आपसे आ गए हैं गेट एग्जाम में तो काफ़ी आसान तरीके से आप इजीली सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम इनको सिंपल वे से आपको समझाएंगे। पहला क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट, आपको इस लिमिट दी हुई है और लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले तो लिमिट कब लगाते हैं, लिमिट तब लगाते हैं जब जहां पर जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है। यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन जीरो पर प्रॉब्लम है, क्यों, डायरेक्टली अगर आप जीरो पुट करते हो क्वेश्चन पर तो आपको जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस वजह से हमें जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट को करना पड़ा। यानी कि लिमिट क्या कहता है, डायरेक्टली आपको x टेंड्स टू जीरो पुट करना है और यहाँ पर जीरो पुट करने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। देख लो, रख के देख लो, x का जीरो पुट करोगे तो 1 माइनस जीरो जो कि 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 होगा, 1 माइनस 1 जीरो होगा, अपॉन में भी जीरो। तो ये जो है जीरो बाई जीरो का कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो उनके जो है इसकी लिमिट क्या होगी वो बताना है आपको। आंसर दिया हुआ है था 0, 1, माइनस n और n, ये है आपके चार ऑप्शन। ठीक है, ये चार ऑप्शन में कौन सा टिक करना था, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जब को लिमिट दे रखा है क्वेश्चन x टेंड्स टू जीरो पर 1 माइनस एक्स पावर एन माइनस वन, जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है, जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बनता है तो हम क्या लगाते हैं, अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि लिमिट, आपका क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर 1 माइनस x की पावर में n था और माइनस 1 अपॉन में x था। तो जब भी क्वेश्चन 0 बाई 0 फॉर्म बनता है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो हमको क्या करना रहता है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ता है। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, बाई एल हॉस्पिटल, और एल हॉस्पिटल कहता है कि ऊपर जो फंक्शन है न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों के एज इट इज आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में और डिन्यूमरेटर के डिन्यूमरेटर में आपको डिफ्रेंशिएट करना रहता है। ठीक है, तो इनका एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स की जगह जीरो पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर का डेरिवेटिव कर दोगे, डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट इसका क्या होगा, तो लिमिट एज इट इज रहेगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और नॉर्मली इसका डिफ्रेंशिएट किए तो कैसे करोगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कैसा होता है, एन सामने आ जाता है और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगी, ये नॉर्मली डिफरेंशिएट है और इनटू में अंदर वाले फंक्शन का भी होगा। तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, और x का माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 पहुंचेगा और माइनस 1 का यहाँ से 0, ये है हो गया ऊपर का डिफरेंशिएट। ठीक है, फिर अपॉन में नीचे का नीचे डेरिवेटिव करोगे तो कहने का मतलब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये है फॉर्मूला कि जब भी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला कि भैया लिमिट x टेंडिंग टू, अगर a पर फंक्शन को प्रॉब्लम है fx अपॉन gx है तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है लिमिट रहन दो x टेंडिंग टू a पर, ऊपर का डेरिवेटिव कर दो अपर फंक्शन का और नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, ये है एल हॉस्पिटल। और अगर अभी भी लिमिट लगाने पर प्रॉब्लम होगी तो अगेन इस चीज को रिपीट करोगे, ऊपर का फिर से डेरिवेटिव, नीचे का फिर से डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, अब हमको प्रॉब्लम नहीं होगी जीरो पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट 1 आ चुका है तो नीचे प्रॉब्लम है नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। तो n इंटू 1 माइनस 0 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1, और जो कि 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 आएगा, तो n इंटू 1 इंटू माइनस 1 और ओवरऑल देखोगे तो आपका माइनस 1 है। कितना ईजी क्वेश्चन आया था जो कि गेट 2022 में माइनिंग में। ठीक है, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, तो ऑप्शन से अगर देखोगे तो देखिए ऑप्शन जो है हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू था, ऑप्शन से अगर हम देखें तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या था। तो सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है
सेकंड क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कहता है अवेलोसिटी फील्ड है ना, अवेलोसिटी फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें एक्स और वाई होते हैं उनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। एक्सप्रेस्ड एज अ वी, वी क्या है एक वेक्टर है, वेक्टर जो है वी नाम दिया उसने, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस पी ऑफ जेड इंटू के कैप, वेयर पी जेड क्या है अननोन है ना, पी जेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर नहीं मालूम है, बट ये एक वेक्टर है और बोल रहा है कि पी ऑफ जीरो पुट करने पर आपको जीरो मिलता है और डाइवर्जेंस वी बराबर जीरो दिया हुआ है और pz की वैल्यू कितनी है जीरो, pz की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है कि यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन यहाँ पर बैठा है, जैसे यहाँ पर x है यहाँ y है तो यहाँ पर क्या चीज है उनकी वैल्यू बतानी है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कौन कौन सा है, जीरो है, 2z है, 2 है और 2z है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप pz को मान लो जीरो और फिर डाइवर्जेंस निकाल लो, दूसरा b की वैल्यू रख दो pz की जगह -2z, इस तरह से वैल्यू रख रख के चेक कर सकते हो, बट वो जो है आपका समय बर्बाद हो जाएगा और वहां पर जो है काफी समय लग जाएंगे। तो हम इनको क्या करेंगे डायरेक्टली डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल डॉट वी बोलते हैं, यानी कि डेल डॉट वी इक्वल क्या होता है जीरो होता है, ये डाइवर्जेंस वी का फॉर्मूला होता है। फिर क्या करोगे यहाँ पर डाइवर्जेंस वी, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है डेल डॉट वी, और डेल डॉट वी का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताइए। तो डेल डॉट वी जो है ठीक है, तो डेल डॉट वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ वी बराबर क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर बराबर क्या होगा कि यहाँ पर जो है डेल डॉट वी होगा और यहाँ पर वी इसका वैल्यू जीरो दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में इसका जो है वैल्यू जीरो दी हुई थी। तो जैसे इसकी वैल्यू जीरो है और डेल का मतलब क्या होता है ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर क्या होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड होता है। इसका जो है आपको डॉट यूज करना है और v की वैल्यू क्या थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस पी ऑफ जेड अननोन नंबर था इंटू के कैप और इक्वल में बोल रहा है जीरो है। तो यहाँ पर इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, आई डॉट आई हमको पढ़े हैं कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होता है वन होता है और आई डॉट जे हो इसका वैल्यू क्या होता है जीरो, सिमिलरली आई डॉट के भी क्या होता है जीरो होता है। तो नॉर्मली इसका डॉट कैसे करते हैं, आई का आई वाला ही बचेगा, जे वाला ही बचेगा और के का के वाला ही बचेगा, तो ओनली डेल अपॉन डेल एक्स बचेगा इंटू में एक्स यहाँ का एक्स है प्लस डेल अपॉन डेल वाई मिलेगा इंटू में वाई और डेल अपॉन डेल जेड मिलेंगे इंटू में पी ऑफ जेड मिलेगा, क्लियर है। और यहाँ से इसकी वैल्यू जीरो दी, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है वन, वाई का डेरिवेटिव कितना होता है वन ठीक है, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव तो आप इसको पी डैश जेड बोल दीजिए ठीक है, क्योंकि वहाँ अननोन नंबर क्या है पता नहीं बट उसका जो है डेरिवेटिव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं डैश लगा देते हैं। अब ये कितना होगा टू, उस साइड चले जाएगा कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे भाई पी डैश जेड की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं माइनस का टू मिल जाएगी। अब ये डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या करते हैं अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन करते हो तो ये जो है आपका पी ऑफ जेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है आपका माइनस टू इंटू डी जेड बन जाएगा, तो ये माइनस का टू जेड क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो पी ऑफ जेड के लिए कितनी आएगी माइनस टू जेड प्लस सी मिलेगा। अब बचा आपको क्या कैलकुलेट करना है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो आपका हो गया, क्योंकि गिवन था आपको कि पी ऑफ जीरो की वैल्यू पुट करने पे जीरो दे रहा था, तो यहाँ पुट करूंगा तो ओवरऑल देखोगे क्या मिलेगा जेड की जगह जीरो पुट कीजिए तो जीरो इक्वल जेड की जगह जीरो प्लस सी यहाँ से मिलेगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई जीरो। जैसे ही सी की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका पी जेड क्या बन जाएगा, यहाँ वापस ला के रखोगे तो सी की वैल्यू जीरो हो गई, ओवरऑल देखोगे तो माइनस का टू जेड मिलता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ जाता है भाई कि यहाँ से पी जेड क्या होना चाहिए टू ऑफ जेड विथ माइनस। तो आपका अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन देखोगे तो क्या था देख लेते हैं ऑप्शन, ऑप्शन से देखें तो देखिए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन जो है आपका जो है इसमें माइनस का 2z जो कि करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, समझ में आया आप लोगों को। तो इसी तरह से हम आगे भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी गेट में मैंने क्या बोला माइनिंग गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे और जनरल एप्टीट्यूड का जो है हम अपने चैनल पे डालेंगे जिसका नाम है रेस मैथ्स अकेडमी, वहाँ पर आपको जो है जनरल एप्टीट्यूड के सोल्यूशन मिल जाएंगे ठीक है। और इस चैनल में माइनिंग ज्ञान के चैनल में आपको जो है पूरे प्रॉपरली मैथ्स के सोल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी देख लीजिएगा रेस मैथ्स अकेडमी के चैनल में जाके ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जो है
देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, बट बच्चे लोगों को ये क्वेश्चन इतना टफ लग रहा था कि उन्होंने जो है इसको सॉल्व नहीं किया था, जबकि काफी आसान क्वेश्चन थे जिनको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर था। ठीक है, बिना डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के क्लियर नहीं होगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो और माइनिंग ज्ञान के चैनल में जो है हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैं पोर्शन ले रहा हूँ, और भी बहुत सारे फैकल्टी हमारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, और वो सभी जो है क्या कर रहे हैं, पूरे जो है माइनिंग के कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है संपर्क करें। ठीक है, चलिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में देखिए, px कोई क्या है, कंटीन्यूअस और डिफरेंशियबल फंक्शन है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर बात होती है कि कंटीन्यूअस क्या होता है, डिफरेंशियबल क्या होता है। तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशियबल, कंटिन्यू होगा किसी फंक्शन का ग्राफ और डिफरेंशियबल भी, यानी वो जो है डेरिवेटिव भी होगा। और बोल रहा है किस पर, इंटरवल दिया हुआ है 3 to 18, और 3 पर वैल्यू कितनी है, -15 है। और f डैश जो डेरिवेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशियबल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है, और डेरिवेटिव किया जा सकता है तो उसकी वैल्यू उसने जो है मैक्सिमम बता दी है कि वो जो है f डैश x की वैल्यू 20 है, यानी कि बाउंडेड फंक्शन है। अब बाउंडेड मतलब उसकी वैल्यू जो है 20 से लेस देन होगी डेरिवेटिव की। तो आपको कैलकुलेट करनी है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ f ऑफ 18, यानी कि f ऑफ 18 पुट करूं तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी, वो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या बोला था, इन इंटीजर्स में होना चाहिए, है ना, इन इंटीजर्स में बताने हैं। चलिए देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो ये वाला लग गया कहाँ से भाई, लैग्रांज मीन थ्योरम, है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है भाई, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि बेटा क्या करोगे, देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर फंक्शन, ध्यान से देखिएगा भाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये क्या कहता है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। पहली बात, कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन इंटरवल a और b में। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई अगर आपको जो है f ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल होना चाहिए, डिफरेंशियबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल a b में। तब बोलता है देयर एग्जिस्ट कम से कम एक वैल्यू x जो a और b के बीच का है, ये इस प्रकार से होगा कि सच दैट आपको जरूर कहीं ना कहीं आपको जो है f डैश x की वैल्यू जो है क्या मिल जाएगी, f ऑफ b यानी कि सॉरी f डैश c की वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, f डैश c की वैल्यू f ऑफ b पर माइनस f ऑफ a पर अपॉन का b माइनस a होता है, ये है आपका फॉर्मूला। तो आपको देख सकते हो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि भैया एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशियबल है, तो आपको सर्च करना है एफ डैश सी पर, ये होती है वैल्यू। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो क्वेश्चन को देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन भी साफ साफ यही बोल रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है प्लस डिफरेंशियबल है, और इंटरवल क्या है, 3 to 18 है। तो एफ डैश सी या एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, अब बी की वैल्यू कितनी है 18, ए की वैल्यू है 3, तो 18 और 3 का सबट्रैक्ट कर दोगे, और आपको f ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है कितनी, -50, यहाँ पुट करोगे -50 तो +50 बन जाएगा, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का 15 बन जाएगा, तो 50 हो गई, और 18 माइनस 3 15 हो गया। अब क्वेश्चन मेंशन था भाई डेरिवेटिव जो है लेस देन इक्वल जीरो है, f डैश x का मान क्या है 0 से 20 से लेस देन है, तो यहाँ पर f डैश x का मान 20 से लेस देन और इसकी वैल्यू इतनी है, इसका मतलब श्योर हो गया कि इसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं 20 से लेस देन आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसका मान 20 से छोटा है तो ये भी 20 से छोटा ही होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 15 × 2 = 30, 300 हो गया, माइनस का 50 उधर चले जाएगा, प्लस का 50 उधर का माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 18 की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, 300 में से 50 गया कितना 250, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो 250 होगी। f ऑफ 18 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, तो आप बोलोगे 250। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चले किसी को भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमको हमसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा
द वैल्यू ऑफ, ये सारे जो है क्या है, ये सारे क्वेश्चन जो है माइनिंग ज्ञान माइनिंग में पूछा गया था, माइनिंग गेट 2022 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 0 to 1, एक 0 to 1 इंटीग्रेशन है जिसमें एक्स लॉग 1 + x (dx) था और इसकी जो है राउंड ऑफ बताना था 2 decimal places, दशमलव के 2 बिंदु तक आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर इसका सोल्यूशन, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई 0 to 1 एक्स लॉग एक्स 1 + x का dx का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो डिफ्रेंशिएट होता है कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला रहेगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, पहले लॉग लॉग वाले फंक्शन को क्या करना है आपको बाहर, है ना, लॉग फंक्शन क्या होगा आपका फर्स्ट में, देखिए तो लॉग वाला फंक्शन जो है कहीं ना कहीं क्या होगा आपका log 1 plus x को फर्स्ट मान के बाहर करोगे, 1 x का डेरिवेटिव करोगे, माइनस लगाते हैं 0 to 1 d by dx फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट डॉट सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका फिर से क्या करना है आपको dx लगाना है, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा आपका, ठीक है, जैसे सॉल्व करते हो तो फिर जो है log 1 plus x वैसे ही रहेगा, x का डिफरेंस x का इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x square by 2 होता है, इंटरवल क्या है 0 to 1 है, लिमिट है, ठीक है, माइनस 0 to 1 वैसे ही रहेगा, log का क्या होता है डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 1 plus x और x का x square by 2 into में dx बनता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे, तो जैसे अपर लोअर लिमिट पुट करते हो तो क्या बनेगा, देखिए जैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1 पुट करोगे, x के जगह 1 डालोगे 1 + 1 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और यहाँ भी पुट करोगे तो 1/2 ये हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये 0 इंटू से पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हो तो 0 टू 1 ये हो गया, यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, 0 टू 1 क्या बचा x, यहाँ से इसको देखो x square upon 1 plus x है तो उसको मैंने कैसे लिख दिया हुआ x minus 1 plus 1 upon 1 plus x लिख दिया, क्यों, इनको आप LCM लेके देखो, ये इधर जाएगा LCM जाएगा तो x plus 1 x minus 1 क्या हो जाएगा a minus b का whole square का फॉर्मूला बन जाता है, तो a square minus b square का फॉर्मूला, तो ये बनेगा कितना आपका बनेगा x square plus x square minus 1 और यहाँ से plus 1 कैंसिल होकर x square आ जाएगा। तो ये जो है आप लोग को सॉल्व करना है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे सॉल्व होगा, फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, जब आप इनका LCM लोगे ना, LCM लोगे तो कितना आएगा x plus 1 ही आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर ही 1 है, जब इसको लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा x minus 1 और x plus 1, x minus 1 x plus 1 क्या होता है a square minus b का square होगा, तो यहाँ पर overall x square minus 1 square रहेगा, पहले से यहाँ क्या है 1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा, overall आपका क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ x square जो कि यही बचेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि log यहाँ पर 2 का मान log 2 वैसे ही है, यहाँ 0 है, ये माइनस आप क्या किए हो x square by 2, इसका जो आप इसका नॉर्मली डेरिवेटिव करना है, सॉरी है ना, ये तो आपका क्या है इंटीग्रेशन में जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x का इंटीग्रेशन कितना होगा तो x square by 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x क्या होता है log 1 प्लस x हो जाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ से, जैसे ही ये हो जाए तो फिर क्या करोगे, ये तो कॉन्स्टेंट है वैसे ही रहेगा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे कितना 0 टू 1 पुट करना है, ठीक है, तो जो आने के बाद इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना मिलेगा, x की जगह 1 डालोगे भाई, इसमें x की जगह 1 डालोगे कितना होगा 1 upon 2 minus ये है 1/2 माइनस x की जगह 1 प्लस log 1 प्लस 1 2 हो गया। अब जब 0 पुट करोगे तो ये 0 से 0 0 से 0 x की जगह 0 पुट करोगे log 1 उसका भी मान 0 होता है, ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ 1/2 log 2 माइनस ये अंदर जाएगा 1/4 या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो 2 माइनस 1 करोगे माइनस हाफ मिलकर प्लस हाफ हो जाएगा प्लस log 2 हो जाएगा, तो ये लो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस हाफ और प्लस log 2 मिलेगा ऐसा, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 और ये माइनस अंदर जाएगा log 2 मिलेगा 1/2, ये 1/2 log 2 से ये 1/2 log 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.24 क्वेश्चन उसने पूछा था डेसिमल के दशमलव के दो पॉइंट तक, ठीक है, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक आंसर कितना आएगा 0.25, ठीक है। अगर हम ऑप्शन से देखें, ऑप्शन तो था नहीं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, NAT वाले क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, तो उसका आंसर कितना आएगा 0.25 आएगा। तो ये जो है आप लोग को आई होप समझ आया होगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं गेट में, है ना, तो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपका किसके लिए आएगा, हमारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कौन सा था आपका 2022 का क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन थे, उनका कंप्लीट सोल्यूशन था, ओके।